हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हम लोगों ने क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर, इन सारी बातों को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट आज की इस वीडियो में हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर करने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। पहले हम लोगों ने जितने भी किए उसमें मैंने टैग ले लिया कि एंकर टैग का आप ये सारे स्टाइल लगा दो, बट मान लीजिए मैंने उसके एट्रीब्यूट में, मान लीजिए जिस एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट है उस पर ही सिर्फ आपको ब्लैंक या उस पर ही आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। ओके, जिस मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूंगा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, ना कि बेस्ड ऑन टैग। तो मैं चलिए आपको एग्जाम्पल के दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ जाऊंगा वीएस कोड में और मैं यहाँ से क्या करूंगा, लेक्चर 26.html लिखूंगा और यहाँ से वॉल्यूम पेट ले लेता हूँ html का, आपको देखिए इसलिए बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा इसको। और मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ, मैं टारगेट लगाता हूँ, टारगेट, ओके सॉरी, टारगेट ब्लैंक, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट, ओके। और मैं यहाँ पे इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एंकर टैग लगाऊंगा जिसमें भी टारगेट है भैया, वो टारगेट है, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो रेड या ग्रीन, कुछ भी कर दो। ओके, मैं इसको रन करूँगा और आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो क्यों हुआ, मान लो कि मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ स्टार्ट, तो आप देखोगे इससे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा, राइट। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसके एट्रीब्यूट के बेस पे, एट्रीब्यूट टारगेट क्या है कि एट्रीब्यूट के बेस पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। इसका मैं इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। तो आप कहते हैं आप देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, इसे हर चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया, राइट। अब मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओके, मैं यहाँ पे आऊंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं टॉप कर देता हूँ, मैं यहाँ फिर से टॉप कर देता हूँ। मुझे क्या करना है कि जहां जहां पे एट्रीब्यूट टारगेट का वैल्यू, यानी कि एट्रीब्यूट का वैल्यू टॉप है, वहीं सिर्फ मुझे बैकग्राउंड कलर ये सारे प्रॉपर्टी लगाना है सीएसएस। मैं क्या करूँगा, सिंपल से इक्वल टू लगा के इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, टॉप, और मैं यहाँ पे टॉप वन लिख देता हूँ, टॉप वन, एंड इसको टॉप कर देता हूँ टॉप टू, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि टॉप वन और टॉप टू में ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो गया, आ गया है, राइट। तो बहुत बढ़िया, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई आगे बढ़ते हैं, हम मान लीजिए कि हमको बॉर्डर लगाना है एक इमेज पे और उसका टाइटल के बेस पे मुझे लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, तो देखते हैं। मैंने इमेज यहाँ पे ले रखा है, तीन इमेज मैंने कार वन कार टू कार थ्री ले रखा है। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग लगाऊंगा, ओके, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, इमेज एस आर सी में कार वन डॉट पी एन जी, सॉरी जी पी जी, वट एवर, ओके कार। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कार कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके कंट्रोल वी, कार टू एंड कार थ्री, ओके यहाँ पे कार वन कार टू कार टू एंड यहाँ पे मैंने कार थ्री कर दिया। इधर वेट दे देता हूँ मैं कुछ 700 एंड हाइट दे देता हूँ 500। हम ये देखते हैं कैसा दिख रहा है, ओके ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, ओके। मैं इस तीनों में प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ओके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कंट्रोल भी, ओके आइए देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, ठीक इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ओके ठीक है, थोड़ा और छोटा मुझे कर देना चाहिए,
ओके मैं यहाँ 500 कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ और यहाँ 500 कर देता हूँ, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है ठीक है ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइटल लगाता हूँ, इसका टाइटल लगाऊंगा और यहाँ पे कार लिखूंगा। ओके ओके सॉरी, और मैं इसी टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे करूँगा कंट्रोल कार वन, और यहाँ पे फिर से मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के BMW दूंगा, BMW। ओके तो मुझे क्या करना है, क्या बॉर्डर लगाना है इस इमेज पे बेस्ड ऑन उसके टाइटल पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे IMG आपको लिखना है पहले टैग, उसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपल सा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है आपका टाइटल। ओके तो टाइटल पे आप लगाना है और आपको नेगेशन वाले साइन लगाना है, स्कल टू लगाना है, उसके अंदर आपको वैल्यू डालना है, तो वैल्यू क्या है कार। ओके और आपको बॉर्डर देना है ना, बॉर्डर 4 पिक्सल का मैं दे दूंगा, 4 पिक्सल का सॉलिड रहेगा और येलो कलर का रहेगा, जो हम येलो कलर। ओके मैं देखता हूँ आया है कि नहीं, ओके आ गया, अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा बॉर्डर और बढ़ा दूंगा, 10, ओके 10 पर 10, ये थोड़ा दिखेगा सही से। तो क्या हुआ, जिसके स्टार्टिंग में टॉप है, जिसमें टॉप है ना उसका सिर्फ बॉर्डर आया, ओके जिसमें टॉप सिर्फ है उसका बॉर्डर आया, इस दोनों में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें टॉप के साथ कुछ है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो कार्ड, सॉरी कार्ड, कार्ड यहाँ पे है, बढ़िया कार्ड वन है, मगर मैं अगर कार्ड वन हटा के दोनों में कार का रन कर दूँ तो आप देखोगे दोनों में बॉर्डर आ चुका है, राइट, आप यहाँ समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इसमें भी कार कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ भी बॉर्डर आ चुका है, तीनों में बॉर्डर आ चुका है, करेक्ट, तो आपके आप इतना समझ चुके हैं, राइट। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके ओके आप करते हैं क्या कि एक मुझे क्लास के बेस पे लाना, जिसका भी स्टार्टिंग मान लीजिए कार है, जैसे कि यहाँ पे आप सिर्फ जहाँ पे कार था उसी पे लगा पा रहे थे, जिससे जिस पे कार है उस पे लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे ले दूँ तो कार, यहाँ पे कार और यहाँ पे BMW, ओके BMW है, तो मैं चाहता हूँ कि इस दोनों पे लग जाए, कैसे लगाऊंगा, इससे तो लग नहीं रहा था, तो इसमें भी कार है इसमें भी कार, तो मैं कहीं क्या करूँगा इसको लगाने के लिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है, एक ये वाले साइन लगा देना, राइट, कि साथ क्या कहते हैं इसको और, ओके तो क्या कहते हैं और, ओके आप देखोगे कि जहां 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 आपके जो कार है वहां वहां इसका बॉर्डर आ गया, राइट, अब देखो तो यहाँ पे कार बॉर्डर आ चुका है, मैं यहाँ पे टाइटल कार, ओके टाइटल कार, ओके तो आप इसका डिफिनेशन अगर मैं यहाँ पे तो सिंटैक्स पर लिख सिंटैक्स आ गया, मैं इसका थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कैसे आपको लिखना है, कि ये जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बताने वाला हूँ ना, जो ऐसे स्पेसिफाइड वैल्यू है उस पर ही लगता है, राइट, कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहा है, कार वन एक स्ट्रिंग बन रहा है, एक यानी कि सेंटेंस नहीं स्ट्रिंग बन रहा है, बट ये कार सिर्फ है, मगर मैं यहाँ ऐसे कर लूँ तो ये डिफरेंस हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के लिए, इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए। ओके तो आप अब यहाँ पर जाकर देखो दोनों पे आ गए, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कार यहाँ पे अकेला रहना चाहिए था, राइट, समझे, ओके मैं अगर यहाँ पे भी कार लगा दूँ, कार लगा दूँ और वहाँ पे एक हाइफन दे दूंगा ना, तो उस पर भी लग जाए, बट मैंने यहाँ पे हाइफन दे तो मैं यहाँ पे हाइफन दूंगा, तो आप देखो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लग गया, राइट, तो आपको ऐसे काम करना है इसके साथ, मैंने तीसरा बता दिया आपको, सिर्फ यहाँ चेंजेस करना है क्या सिंबल, ओके अब चौथा पे हम मूव करते हैं, तो मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ भी टॉप है, भले कि यहाँ पे
ऐसे ही क्यों ना रहे, जैसे कि ऐसे ही क्यों ना रहे, मुझे चेंज करना भैया इसका, ये ऐसा ही क्यों ना रहे, मुझे चेंज करना है। ये कार वन है और ये कार है, फिर भी मुझे इस दोनों में कार टाइटल में फिर भी मुझे चेंज करना, तो कैसे करूँ? अब कुछ नहीं करूँ, सिंपल से यहाँ आना और आपको एक सिंबल यूज करना। सिंबल, वो सिंबल क्या है, आपको शिफ्ट 6, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, शिफ्ट दबाना है +6, ओके, और आपको यहाँ पर आकर देखना है, ओके। आप देख सकते हो इस दोनों में कार टाइटल में तो कार है, बट ये कार के साथ वन भी है, इस कार के साथ कार है, सिर्फ इसी कार के साथ वन भी है। मैं अगर चाहूँ, अगर मैं इसको कार यहाँ पे बोलूँ तो ये वर्क करेगा, ओके। आप देख लो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ओके, बट पिछले वालों में वर्क नहीं कर रहा, सिंपल, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए जिसका टाइटल मुझे चाहिए, जिसका टाइटल इंड हो कार से, उसमें मुझे लगाना है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ए कार से इंड हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, और मुझे क्या लगाना है, इंड के लिए यहाँ पे डॉलर लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डॉलर लगाऊंगा। आप इसे लिखते जाना पॉज करके, तो आप देखोगे इस दोनों पे आ गया, ओके। अब इस पे क्यों नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आप देखोगे तो इसके इंट पे कार नहीं है, अगर मैं इसके इंट पे कार नहीं लगाऊंगा तो आप देखोगे कि इसके भी बॉर्डर आ चुका है, राइट, ओके, अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, ओके। मुझे एक और बतानी है आपको, एक प्रॉपर्टी। अब मुझे क्या करना है कि जिस चीज का ये स्ट्रिंग है, जिस चीज मान लीजिए मैं यहाँ पे ए है ना, मैं यहाँ पे ए है, इसमें भी ए, इसमें भी, तो जिसके टाइटल के वैल्यू के अंदर ए है उसका मुझे ये बॉर्डर लगाना है, इसके बॉर्डर में मुझे ओके, मैं इसका रेड कर दूंगा अभी, मैं बहुत देर से यूजर, मुझे रेड बॉर्डर लगाना। तो जिस जिसके टारगेट, सॉरी, टाइटल में ए है वो, यस, मैं सी ए, ओके, सी ए है, उसका बॉर्डर 10 पिक्सल विथ कर दो, सॉलिड बॉर्डर रहना चाहिए, और इसका कलर ये कर, तो मैं कैसे करूंगा? अब कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पे स्टार लगाना है। क्या करना है आपको, स्टार लगाना है, और आपके यहाँ पे देखोगे तो 3 रुपये बॉर्डर लग चुका है। तो मैं आपको कुछ करके और दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सी ए लिया हूँ, सी ए आर लिया, ओके, मैं यहाँ सी ए लेता हूँ, ये भी वर्क करेगा, आप देखो ये भी वर्क कर रहा है, बट मैं यहाँ से एक ए हटा देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये पहले वाले में नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे सी ए है ही नहीं, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे सी ए, ओके ओके। अब नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं कि फॉर्म को हम कैसे एट्रीब्यूट, फॉर्म के एट्रीब्यूट के बेस पे हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो मैं इस वीडियो में इंट्रो देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में फॉर्म को कैसे उसके एट्रीब्यूट के बेस पे डिजाइन करते हैं उसको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इंटरेस्ट आपका बढ़ाने के लिए बताने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप ले लूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम txt एंड आईडी दे देता हूँ कुछ भी, ओके, कुछ भी, ओके। अब मुझे इसका स्टाइलिंग करना है, बेस्ट अपन द इसके टाइप, तो मुझे क्या करना है कि जिस जिसका टाइप, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, कंट्रोल सी इनपुट, और यहाँ पे मैं जीमेल कर देता हूँ, ओके। अब आओ यहाँ पे देखो कहाँ गया, ओके, ये रहा, नीचे आ जाओ भाई, ये रहा, ब्रेक करना होगा, ब्रेक कर देता हूँ उसको, ओके, ये ठीक है, अब ठीक से जा, ओके, मैं थोड़ा और इसमें ब्रेक टायर लगा देता हूँ, ओके। तो मुझे क्या है, ये क्या है, टेक्स्ट इनपुट है, टाइप का इनपुट ये उस टाइप का, जीमेल टाइप का है। तो मुझे क्या करना है कि इसके टाइप के बेस पे मुझे इसमें स्टाइलिंग करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहले उसे टैग का है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद टाइप, टाइप,
इक्वल टू, अब टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मान लीजिए विथ मुझे देना है इसका, तो मैं विथ दे दूंगा मान लीजिए क्वेश्चन, तो आप देखिए इसे विथ बराबर बढ़ गया। ओके अब मैं इसको अगर कितना 1000 पिक्सल दे दूंगा तो ये देखना इससे बराबर होगा 1000 पिक्सल। तो देखो ये उतना ही बना है, दोनों इनपुट ही है, बस इसका साइज बढ़ चुका है। ओके तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आपका जो अगला इनपुट आएगा वो प्रिंट होता है, मगर मैंने ब्रेक टैग पहले ही लगा दिया है। ओके मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, ओके नहीं बॉर्डर क्या लगा है, मैं यहाँ से लोग इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ इसलिए बॉर्डर नहीं लगाऊंगा, बस ये लास्ट वाला लगा के मैं छोड़ूंगा, मैं येलो कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। तो आप देखो कि इसके बैकग्राउंड कलर भी येलो आ गया देखो। ओके बट इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे उसी को सिलेक्ट किया जिसका टाइप टेक्स्ट है, मैं उसी इनपुट इनपुट टाइप को टेक्स्ट या जिसका इनपुट टेक्स्ट है, समझ में आया क्या। ओके आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग फॉर्म्स को बहुत अच्छे से डिजाइन करेंगे और उसमें यूज करेंगे हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर बहुत इफेक्टिव वे से। मैं इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ फॉर्म्स, मैं सिर्फ इसके इसको एग्जाम्पल देगा। ओके क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में बने रहे। ओके तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।